वर्जिल कीथ नाम के एक ड्राइवर के साथ शहर की ओर एक रेगिस्तान से होते हुए जा रहा है। वो एक जगह रुकते हैं और वर्जिल को कुछ दिखाई देता है। जब वो उस पर से धूल हटाता है तो वो सोने की तरह लग रहा है। वर्जिल कीथ को बुलाता है और दोनों उसकी जांच करते हैं और पता चलता है कि ये सच में सोना है। कई प्रयासों के बावजूद वो थोड़ा सा भी नहीं खिसक सकता है। कीथ बताता है कि रेगिस्तान में जंगली कुत्ते मौजूद हैं और उन्हें सिर्फ आग से डरा कर भगाया जा सकता है। कीथ कहता है कि किसी एक को शहर जाकर खुदाई करने वाली मशीन लानी पड़ेगी जिससे वो उस पत्थर को निकाल सके। कीथ वर्जिल को शहर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसको रेगिस्तान के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन वर्जिल कहता है कि वो शहर में अनजान है और वो वहाँ किसी को नहीं पहचानता है। अगली सुबह कीथ वर्जिल को कुछ खाने पीने का सामान और एक सैटेलाइट फोन देकर चला जाता है। कई दिन बीत गए हैं लेकिन कीथ अभी नहीं लौटा है। वर्जिल शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर पड़ने लगा है। एक दिन वर्जिल अपनी आँख खोलता है तो आग बुझ रही है और उसको कुत्तों ने घेर लिया है। वर्जिल कीथ को कॉल लगाकर रोने लगता है और कहता है कि वो जल्द ही वहाँ आ जाए। कीथ कहता है कि वो जल्द ही पहुँच जाएगा, लेकिन कीथ कुछ ही दूर पर खड़ा है और वर्जिल की मौत का इंतजार कर रहा था। कुत्ते वर्जिल को लेकर चले जाते हैं और कीथ खुदाई की मशीन लेकर उस जगह पर आता है।